उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मजारों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम उत्तराखंड की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म और प्रदेश हित में हो वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर पहले उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो कार्रवाई करके उस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि वन विभाग की तमाम भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 103 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है और बाकी अन्य चिन्हित मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें, हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा, और नहीं हटाएंगे तो चूँकि विधिक कार्रवाई जो होगी, इनको हटाना है, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा।